बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आपको पता है कि कोरोना की जो ख़तरनाक वबा फैली हुई है, इसकी वजह से हम स्कूल नहीं आ सकते, तो हम वीडियो लेक्चर के जरिए आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? आपने अच्छा अच्छा पढ़ना है, मम्मा बाबा को भी तंग नहीं करना, ठीक है? चलें तो हम स्टार्ट करते हैं आज का काम अपना। टेक्स्ट बुक ओपन कर लें अपनी उर्दू की, ठीक है? ये देखें, ये वाली बुक टेक्स्ट बुक आपको पता है ना, ये वाली बुक, तो ये ओपन कर लें आप लोग और सफ़ा नंबर निकालें 17 ओपन कर लें। आज का जो हमारा उनवान है वो है छोटिए और बड़िए की आवाज़ के फ़र्क के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि पहले तो हम ऊँची आवाज़ में अल्फाज को पढ़ेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि कौन से अल्फाज में छोटी ये यूज़ होती है और कौन से अल्फाज में बड़ी ये का इस्तेमाल हो रहा है। तो चलो चलें पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ आपने पढ़ के पढ़ना है, ठीक है? का की तो जिन अल्फाज में ई साउंड आती है उसमें छोटी ये का इस्तेमाल होगा। और अब आगे लफ्ज़ पढ़ते हैं, सेब तो जिसमें ए साउंड आती है उसमें आएगी बड़ी ए। छोटी ए का इस्तेमाल कील में हुआ है, कील ई साउंड आई ना इसमें, तो इसमें ई छोटी ए का इस्तेमाल हुआ। इसमें सेब हमने पढ़ा ना, सेब तो ए साउंड आ रही है, तो इसमें आपने बड़ी ए का इस्तेमाल किया, ठीक है? अब ये देखें, काफ छोटी ए लाम कील, इन तीनों लफ्ज़ों को हमने मिलाया तो कील बन गया, ठीक है? इनमें इसमें कौन सी ये यूज़ हुई है, छोटी ये इस्तेमाल हुई है, ठीक है? सीन बड़ी है, से बे सेब, इसमें क्या यूज़ हुआ है, बड़ी है, ठीक है? तो इससे हमें फ़र्क मालूम हो गया कि कौन से लफ्ज़ के दरमियान में छोटी ये इस्तेमाल हुई और कौन से लफ्ज़ के दरमियान में बड़ी ये का इस्तेमाल हुआ। तो आज हम काम करेंगे, ठीक है, बुक के ऊपर ही हमने सॉल्व कर लेना है, ठीक है? छोटी नीचे दिए हुए अल्फाज को अब आपने पेज नंबर ओपन करना है 18, ठीक है? इसके ऊपर ही हमने सॉल्व कर लेना है। उन्होंने कहा है नीचे दिए हुए अल्फाज को ऊंची आवाज़ में पढ़ें, फिर इनको दुरुस्त खाने में लिखें। अब हम फिर जैसे हमने पहले लफ्ज़ों को पढ़ा ऐसे पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सी छोटी ये के अल्फाज हैं। ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, सर्कल की शेप में, तो आपने छोटी ये वाले छोटी ये में लिखने हैं ध्यान से। ये ना हो कि बड़ी ये वाले आप जो हैं वो छोटी ये में लिख दें और छोटी ये वाले बड़ी ये में, तो ऊपर लिखा भी हुआ है, देखें छोटी ये बड़ी ये के अल्फाज। तो यहाँ से हम अल्फाज को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन से छोटी ये में आने, कौन से बड़ी ये में। जीत तो इसमें कौन सी साउंड आई, छोटी ये की, तो इसको हम लिखेंगे छोटी ये में। जीम ये ते जीत, इसमें छोटी ये का इस्तेमाल हुआ तो इसको हम छोटी ये वाले खाने में लिख देंगे। उसके बाद नीली, नी की साउंड, नी में कौन सी साउंड आ रही है, ई साउंड, ठीक है, तो इसको भी हम छोटी ये में लिख देंगे। नून छोटी ये नी, लाम छोटी ये ली, नीली, ठीक है। उसके बाद है तेल, तेल तो इसमें ए साउंड आया तो इसको कहाँ लिखेंगे, बड़ी ये वाले खाने में लिख देंगे, ते बड़ी ये ते लाम तेल, ठीक है। उसके बाद सीखा, सी खा तो इसमें कौन सी साउंड आई, ई साउंड, इसको कहाँ लिखेंगे, छोटी ये वाले खाने में, सीन ये खेल खा सीखा, ठीक है, इसमें भी किसका इस्तेमाल हुआ, छोटी ये का। चे ये जे चीज़, चीज़ चीज़, तो इसमें भी किसकी साउंड आ रही है, ई साउंड, तो ये भी हम छोटी ये वाले खाने में लिख देंगे, चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट लफ्ज़ है देखो, देखो इसमें कौन सी साउंड आ रही, बड़ी ए की, ए साउंड, देखो। अगर आपको ना समझ आए तो फिर भी आप दोबारा भी इसी जो है नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि मैम ये दोबारा से भी पूछ सकते हैं। देखो, देखो इसमें भी क्या है, बड़ी ए की साउंड आ रही है। नेक, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक, ए साउंड, इसमें भी क्या है, ए साउंड, तो इसमें क्या आएगा, बड़ी ए।
नून बड़ी है, ने काफ नेक, नून बड़ी है ने काफ नेक, दो शोशे बनेंगे, एक नून का एक ये का और एक काफ का, नून बड़ी है ने काफ नेक। खेला, नेक्स्ट वर्ड क्या है, खेला, खे ला, तो इसमें भी क्या साउंड आया, ए साउंड, खे बड़ी ये वाली साउंड, तो इसको भी बड़ी ये वाले खाने में लिख देंगे, खे ला। मे रा, मे रा, इसमें भी क्या आया, बड़ी ये की साउंड, ए साउंड आ रही है, तो इसमें भी इसको भी बड़ी ये वाले खाने में लिख देंगे। उसके बाद है भी गा, इसमें ही साउंड आ गई, भी गा, तो इसको भी हम बे ये गा फलिफ गा भी गा, इस तरह से प्यारा प्यारा लिखना है, नीट नीट आपने, ठीक है, भी गा। उसके बाद क्या है, सी टी, सी टी, किसकी साउंड आ गई, ई साउंड, ई साउंड आ रही, तो कहाँ लिखेंगे, छोटी ये में, सी टी, सीन ये टे छोटी ये टी, सी टी, ठीक है। उसके बाद लास्ट वर्ड है रेत, रेत रेट, तो इसमें कौन सी ए साउंड आ गई, तो इसको कहाँ लिखेंगे, बड़ी ए वाले कोने में, रे ये ते रेत। तो ये था हमारा आज का काम, ठीक है, क्लास में जमात का काम ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब आपने, हमने जो है वो ऊपर जमात का काम भी जैसे हम वन क्लास में लिखते थे ना, सेम वैसे ही ऐसे 12 जून लिख के आपने सारी डेट वैसे ही मेंशन करनी है, ठीक है। तो उसके बाद डायरी लिखेंगे, डायरी लिखेंगे, डायरी, आज की डायरी है आपकी, घर का काम, ठीक है। आपने यही काम जो है वो नोटबुक पे लिखना है, ठीक है। तो क्लास वर्क इज होमवर्क प्लस लर्न, आपने साउंड को ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। क्लास वर्क इज होमवर्क प्लस लर्न, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और इसी को अपनी नीट नोटबुक पे नोट कर लेना है।